नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर और इसका हम HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस किया था, तो आज HPGK से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पिछले कल हमने इवनिंग में जो था वो हिंदी का सेक्शन भी जो था वो डिस्कस किया था, और मॉर्निंग में इंडिया जीके का सेक्शन। तो अभी HPGK से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, अप टू सेप्टेम्बर 2018 बैंक्स हैव हाउ मैनी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सितंबर 2018 तक बैंकों में कितने मूल बचत खाते थे। 2018 तक का डाटा पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाएंगे? एलाइड में पूछे जाएंगे, HAS में पूछे जाएंगे और NT में पूछे जाएंगे, परंतु ये क्वेश्चन HPSSC के द्वारा पूछा गया है, जो हमीरपुर बोर्ड पेपर कंडक्ट करवाता है उन्होंने पूछा है। तो अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10.69 लाख। 2000 सितंबर 18 तक जो था वो 10.69 लाख अकाउंट जो था यहाँ पर खोले गए थे अंडर जन धन योजना। अच्छा, ये तो हो गया सितंबर 2018 तक। सितंबर 2019 तक अगर आपसे कोई पूछता है तो कितने थे, सितंबर 2019 तक जो था वो 12.89 लाख जो था वो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक डिपॉजिट अकाउंट थे। तो 2019 तक याद रखिएगा, और उसके अलावा 2020 तक की भी अगर हम बात करें तो 2020 तक कितने थे, 2020 तक जो था यहाँ पर 16.03 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो था वो थे। तो इस सितंबर 2020 तक भी याद रखिए। तो 2018, 2019, 2020 ये तीनों ईयर आपने कवर कर लिए। ये तीनों के तीनों डाटा आपको याद रखना है। कमीशन HPSSC तो पूछ ही सकता है इस तरह के क्वेश्चन, और पब्लिक सर्विस कमीशन का तो ट्रेंड रहा है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का। अभी क्लैरिकल का जो पेपर आएगा हो सकता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो याद रखिएगा। आगे 150 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, विच इज़ द गवर्नमेंट सप्लायर ऑफ GI पाइप्स टू INPH डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश के INPH विभाग को जो है वो GI पाइप का एक प्रदायक कौन सा है। तो GI पाइप्स जो है वो कौन सप्लाई करता है हिमाचल प्रदेश के INPH डिपार्टमेंट को, तो वो कौन करता है। 150 की बात करें तो 150 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है ये करती है सप्लाई GI पाइप्स INPH डिपार्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये जो INPH लिखा है आपने कई बार ये नाम सुना होगा, आपने कभी सोचा इसका पूरा नाम क्या है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए इसका नाम पूरा बता देते हैं। इसका पूरा नाम होता है इरीगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इरीगेशन एंड पब्लिक हेल्थ नाम याद रखिएगा आप, इरीगेशन और पब्लिक हेल्थ इसका नाम है। इन हिमाचल प्रदेश हाउ मैनी वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन ऑफ गवर्नमेंट आर फंक्शनिंग। तो हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी सब्जी विकास केंद्र जो है वो कार्यरत है। तो हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी सब्जी विकास केंद्र जो है वो कार्यरत हैं, 151 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। तीन यहाँ पर सरकारी सब्जी विकास केंद्र जो है वो काम करते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हिमाचल प्रदेश में जो है तीन वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश में 12 जो है वो पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन है, आलू विकास केंद्र, और एक जो है यहाँ पर जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है। जिंजर यानी कि अदरक, तो अदरक विकास केंद्र एक है। अगर बात करें कि सब्जी विकास केंद्र कितने हैं तो वो तीन है। अगर बात करें कि आलू विकास केंद्र कितने हैं तो वो 12 है। ये आप सब याद रखिएगा, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। आगे 152 क्वेश्चन देखिए। 152 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, विच इज़ द प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट स्मार्ट ग्रीन सिटीज। तो हिमाचल प्रदेश में जो है स्मार्ट ग्रीन शहरों की जलवायु के लिए जो है कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। अगर हम बात करें कि कौन सा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश ने चलाया है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, नगर वन उद्यान योजना एक कदम हरियाली की ओर। तो नगर वन उद्यान योजना एक कदम हरियाली की ओर जो है ये क्लाइमेट स्मार्ट ग्रीन सिटीज जो है वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है। अब यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट जानेंगे आप, तो यहाँ से आप स्मार्ट सिटीज़ के बारे में याद रखिए। स्मार्ट सिटी मिशन भी चलाया गया है। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो चलाया गया है, इसके तहत हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी सिटीज़ जो है वो कवर की गई हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश की एक तो शिमला सिटी कवर की गई है और दूसरा धर्मशाला सिटी जो है वो कवर की गई है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, ये आप याद रखिए। अच्छा, यहाँ से एक बेसिक सा क्वेश्चन बात करते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये है कि गाड़ियों के पीछे आपने नंबर लिखे देखे होंगे, जैसे कि लिखा गया होता है HP 63, HP 01, HP 02, HP 03, HP कुछ भी HP करके लिख दिया गया होगा। दो सिटीज़ मैंने नाम ली, एक शिमला एक धर्मशाला, इन दोनों के नंबर मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपका RTO जो भी नंबर आता है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बेसिक नॉलेज है, सभी को होनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं भी पता होगा उन लोगों को भी पता चल जाएगा, और जिन लोगों को पता है वो अपनी नॉलेज शेयर करें। मैं HP 39 बता देता हूँ, ये धर्मशाला का है,
और दूसरा HP 63 बता देता हूँ। HP 63 जो है ये RTO नंबर है RTO शिमला का, ठीक है। ये नंबर है RTO धर्मशाला और RTO शिमला के। उसी तरह HP 40 जो है कांगड़ा का है, तो ये भी मैंने बता दिए। तीन नंबर मैंने बता दिए और बाकी के नंबर आप अपने अपने सिटीज़ के, अपने अपने RTO के नंबर जो है आप कमेंट करके बताइए। सभी को बेसिक नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बिन रिसेंटली स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर मॉनिटरिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एट एंड जनमंच। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं, रोजगार सृजन और जनमंच की देखरेख के लिए हाल ही में कौन सा ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल या फिर ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया है, जिससे क्या होगा, जिससे हिमाचल प्रदेश की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, रोजगार सृजन की योजनाएं हैं, जो जनमंच या सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। तो ये कौन सा सिस्टम सरकार ने चलाया है, ये चलाया है सरकार ने हिम प्रगति पोर्टल। हिम प्रगति पोर्टल या फिर हिम प्रगति सिस्टम आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिम प्रगति का आपको पता चल गया, यहाँ पर जनमंच की बात की गई। तो गिरिराज पत्रिका में हमने अभी लास्ट टाइम ही पढ़ा था कि जनमंच योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 3 जून 2018 को जो था वो जनमंच योजना जो था वो स्टार्ट की गई थी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर भी चलाया गया है। ये कितना है, ये है 1100 1100, ये जो नंबर है ये है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर। तो ये सब आप याद रखिए यहाँ से, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कहलूर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर। तो निम्नलिखित में से कहलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था। तो कहलूर का ऐसा कौन सा राजा था जो मुगल शासक अकबर का समकालीन था। जो अकबर के समकालीन थे कहलूर के राजा, वो थे ज्ञान चंद। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एक क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि ऐसे कौन से राजा थे मंडी के जो अकबर के समकालीन थे। तो मंडी के राजा थे एक जिनका नाम था साहिब सेन। साहिब सेन जो था वो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। और अगर आप कहलूर के बारे में जानेंगे तो देखो कहलूर की स्थापना किसने की, कहलूर की स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। अगर बात करें कि बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर था। और बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो राजा दीपचंद ने की थी। कब की थी, 1654 में की थी। एग्जैक्टली याद रखिएगा कि कब की थी, 1654 में की थी। 1654 में जो था वो बिलासपुर के राजा दीपचंद ने अपनी राजधानी जो था वो सुनहानी से बदल कर जो था वो ब्यास गुफा के में जो था वो स्थानांतरित की थी। तो ये भी आप याद रखिए। बिलासपुर के एक राजा थे जिनका नाम था खड़गचंद। खड़गचंद जो था ये बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। और इनका जो टाइम रहा जब भी इन्होंने राज किया, तो उसको जो था वो बिलासपुर में काला युग भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कार्यकाल कुछ इतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए इसे काला राज भी कहा जाता है, काला युग भी कहा जाता है। और बिलासपुर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, अंतिम शासक थे यहाँ के राजा अनंत चंद। राजा अनंत चंद यहाँ के अंतिम शासक थे। और बिलासपुर जो रियासत थी उसका विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, बिलासपुर का 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया था। और हिमाचल प्रदेश का ये 5वें नंबर का जिला जो था वो बिलासपुर बना था। जब 1948 में हिमाचल प्रदेश बना था तो उस टाइम 4 जिले यहाँ पर हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे, एक तो महासू था, दूसरा आपका कौन सा था मंडी था, तीसरा आपका कौन था, तीसरा आपका था सिरमौर, और चौथे नंबर पर आपका चंबा था। तो ये 4 जिले भी आपको साथ में याद रखने हैं। और पांचवा कौन सा बना था, पांचवा बना था बिलासपुर 1954 में। आगे क्वेश्चन में पूछते हैं हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405 AD। तो 1405 ईस्वी में जो था वो गुलेर राज्य की स्थापना किसने की। पहले तो आपको पता चला कि गुलेर राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1405 में हुई थी। और किसने की थी, तो गुलेर की स्थापना राजा हरिचंद ने की थी। गुलेर जो था वो किसकी शाखा हुआ करता था, गुलेर रियासत जो था वो कांगड़ा की एक शाखा थी। इसकी कहानी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हरिचंद राजा जो थे वो पहले कांगड़ा के राजा थे। फिर एक बार ये शिकार खेलने गए तो ये एक खड्डे में जाकर गिर गए, कुएं में जाकर गिर गए। जब इनको काफ़ी ढूंढा गया तो काफ़ी ढूंढने पर ये नहीं मिले, तो कुछ दिनों तक ढूंढा गया इनको। फिर जब ये नहीं मिले तो वहाँ की जो प्रजा थी सारी, मंत्रियों ने मिलकर डिसाइड किया कि इनके जो भाई हैं उनको राजा बना दिया जाए कांगड़ा का। फिर कांगड़ा का राजा इनके भाई को बना दिया गया था। परंतु ये जब इस खड्डे में गिरे थे ये वहाँ पर जिंदा थे, जिंदा थे। एक दिन एक व्यापारी जा रहा था, उसको प्यास लगी थी। जब उसने उस खड्डे में देखा या फिर कुएं में देखा कि वहाँ से पानी पिया जाए, तो उसने देखा कि नीचे तो राजा गिरा है। राजा को उसने बाहर निकाला, फिर राजा के साथ बात हुई कि क्या क्या हुआ था। राजा ने सारी कहानी अपनी बताई। और उसके बाद जो था, जब राजा ने सोचा कि अपनी रियासत की ओर जाया जाए, तब उनको पता चला कि उनको इनके भाई को जो है वहाँ का राजा बना दिया गया। तब इन्होंने उचित समझा कि वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और इन्होंने अपनी एक रियासत बनाई जिसका नाम इन्होंने
गुलेर रियासत रखा और गुलेर रियासत की स्थापना की। और इन्होंने जो था वो हरिपुर में जो था अपनी राजधानी जो था वो बनाई। हरिपुर किला भी है, ये भी याद रखिए हरिपुर किला कहाँ पर है, और हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी भी रह चुकी है। अगर गुलेर के बारे में आप कुछ और भी जानेंगे तो गुलेर के एक राजा हुए रूपचंद। रूपचंद ने जो था वो कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए मुगलों की सहायता भी की थी। रूपचंद जो था वो जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। समकालीन का मतलब होता है कि कंटेम्प्रेरी, मतलब ये एक ही पीरियड में थे। और ये जो गुलेर रियासत की रियासत थी, इसके आखिरी राजा या फिर अंतिम राजा कौन थे, तो वो थे राजा भूप सिंह। ये जो था वो गुलेर रियासत के आखिरी राजा थे। तो ये सब आप गुलेर के बारे में जो है वो बेसिक बेसिक जानकारी याद रखिए। इसकी कैपिटल फर्स्ट राजा लास्ट राजा जहांगीर के समकालीन, जिसने कांगड़ा किले को इन्वेट कांगड़ा किले पर आक्रमण करने के लिए मुगलों की सहायता की थी, वो कौन से राजा थे। अगला क्वेश्चन देखिए 157। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नेवर द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी कभी भी नहीं रही। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो कुल्लू राज्य की राजधानी कभी भी कहाँ पर नहीं रही थी। तो कुल्लू की बात करें तो कुल्लू की राजधानी जो था वो पहले जगतसुख में हुआ करती थी। फिर जगतसुख में हुआ करती थी, राजा विशुद्धपाल आए, राजा विशुद्धपाल ने राजधानी जगतसुख से स्थानांतरित करके नगर में रख दी, नगर में राजधानी बना दी गई कुल्लू के। उसके बाद एक और राजा है जो सबसे शक्तिशाली राजा भी कुल्लू के माने जाते हैं, जिनका नाम था जगत सिंह। तो जगत सिंह राजा ने क्या किया, अपनी राजधानी जो था वो नगर से शिफ्ट करके जो था वो सुल्तानपुर के लिए स्थानांतरित कर दिया। और 1660 में इन्होंने ये किया कि अपनी राजधानी जो था वो नगर से स्थानांतरित करके सुल्तानपुर रख दी। तो इस हिसाब से जो है वो जगतसुख में भी कैपिटल रह चुकी है, नगर में भी कैपिटल रह चुकी है, सुल्तानपुर में भी कैपिटल रह चुकी है, परंतु सैंज में कैपिटल नहीं थी। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ये कुल्लू के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिली, कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे। लास्ट टाइम क्लरिकल सेक्रेटरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने राजधानी कहाँ पर बनाई थी वो भी आप याद रखिए। और कुल्लू के बारे में अगर आप कुछ करंट इवेंट्स के बारे में जानेंगे तो कुल्लू का जो मनाली है, मनाली में हाल ही में जो था वो विंटर कार्निवल जो था वो शुरू हुआ। विंटर कार्निवल जब यहाँ पर स्टार्ट हुआ, विंटर कार्निवल के दूसरे दिन जो था यहाँ पर 600 महिलाओं ने एक साथ जो था वो पारंपरिक वेशभूषा में जो था वो नाट कुल्लवी नाटी डाली। अब कुल्लवी नाटी क्यों डाली गई और आप कहेंगे कि क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एलाइड सर्विस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। 600 महिलाओं ने नाटी डाली, पहला आप ये याद रखिए। कहाँ पर डाली, मनाली में डाली, विंटर कार्निवल के दौरान डाली। और क्यों डाली, महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए उन्होंने ये नाटी डाली। कौन सा संदेश, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये संदेश देते हुए उन्होंने ये नाटी डाली। इसमें महिलाओं को जो था वो लाल धातु और काले पट्टू के साथ जो था देखा गया। इन्होंने लगभग 1 आवर यहाँ पर नाटी डाली। और कुल्लू के मनाली में ही जो है वो हडिम्बा देवी का मंदिर भी है, ये भी आप ध्यान रखें। और आपको ध्यान हो तो कल परसों हमने कुल्लू के बारे में एक और करंट इवेंट जाना था, सरयोलसर झील के बारे में। सरयोलसर झील के बीचों बीच जो था वो सैलानी जा पहुंचे थे। सरयोलसर झील जो है वो कुल्लू में है। सरयोलसर झील जो था वो जम गई थी बर्फ के कारण, तो सैलानियों ने जो था वो बीच में चले गए और जूतों के साथ चले गए। इस झील को पवित्र माना जाता है, इसीलिए यहाँ के लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन भी किया गया। तो ये सब आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इस तरह से देखो चीज़ें आप याद रख सकते हैं न्यूज़पेपर से रिलेट करके। अब दो चीज़ें आप आपकी यहाँ से क्लियर हो गई होंगी होपफुली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर हम हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। अगर टेलीग्राम का लिंक आपके पास काम नहीं करता तो इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 12,500 से अधिक फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर हैं, तो ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट PDFs QGs टाइम टू टाइम आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।